अरे भाई क्या हो गया, बहरे हो गए सब? आवाज नहीं सुनाई दे रही, दरवाजा बज रहा है। माइयों पे मैं बैठी हूँ, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। पता नहीं कौन आया इस वक्त। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा तुमसे हिसाब बाकी है। कौन सा हिसाब? किस हिसाब की बात कर रही हो तुम? तुम्हारा और मेरा सब हिसाब क्लियर हो चुका है, और यहाँ पे जिस कदमों से आई हो ना, उसी कदमों से चुप करके वापस लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मेरे शोहर को खा गई हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे बर्बाद करके तुम अपनी खुशियां मना सकोगी? ऐसा हो सकता है? ओ किंजा मैडम, कल तक तुम भी यही सब कुछ करती थी, सबको बर्बाद करके तुम्हें क्या लगता था तुम्हारा घर आबाद रहेगा? याद है सब कुछ? मैं याद करवाऊं। जारा, याद है तुम्हें किस तरह तुमने उसको तबाह किया था? और वो फलक बिचारी, उसके साथ क्या क्या नहीं किया तुमने। तुम तो ऐसी हो भाई, तुमने तो अपने देवर तैमूर को नहीं छोड़ा, जो तुम्हें माँ के बराबर समझता था, दुनिया निछावर करता था। और तुमने अपने बेचारे मरहूम शौहर, उसके साथ क्या किया था याद है? अब आकर तुम सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहती हो, और अपने आप को पाक साफ करके मुझे गंदा करना चाहती हो। तुमने मेरे शौहर से शादी करके उसे दोनों हाथों से लूटा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओ हेलो, तुमसे माफी मांग कौन रहा है? माफी मांगनी है ना, तो जाओ फलक और तैमूर से माफी मांगो। उन लोगों से माफी मांगो जिनको तुमने बर्बाद किया है, उन लोगों से माफी मांगो जिनसे तुमने सब कुछ छीना है। जाओ जाकर जारा से माफी मांगो, और तो और अपने शौहर की कब्र पर जाओ, उस बेचारे से माफी मांगो। हो सकता है कि तुम्हें भीख के तौर पर कोई माफ कर दे, वरना जो कुछ तुमने किया है ना, माफी के काबिल भी नहीं हो तुम। मेरे शौहर ने तुम्हें अपार्टमेंट लेकर दिया था, ये मेरे बच्चों का हक है, मुझे वापस करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बात सुनो मेरी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे शोहर से शादी किस लिए की थी? हक महल में वो अपार्टमेंट मेरे नाम करे, इसलिए की थी मैंने शादी। और मैंने किसी से कुछ नहीं छीना और ना कुछ रखा है। जाओ बीबी, मेरे साथ सर खपाने की कोई जरूरत नहीं। अपने बारे में सोचो जाकर, आगे तुमने क्या करना है, जो तुम्हारे हालात लग रहे हैं ना। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कहो। मेरे बच्चे रुल जाएंगे, उनके सर से छत मत छीनो, उस अपार्टमेंट ने मेरे बच्चों का हक है, प्लीज मुझे वापस कर दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सोनिया प्लीज वापस कर दो। इतना तरस आ रहा है मुझे तुम पर, तुम्हें इस हालत में देखकर ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। याद है तुम्हें, इसी तरह लोग तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाते थे, हाथ जोड़ते थे। तुम्हें कभी किसी पर तरस आया था? तुमने कभी किसी पर रहम किया था जो आज मैं तुम पर रहम करूं? और वो अपार्टमेंट बेच चुकी हूं मैं, कुछ नहीं है मेरे पास। और अगर होता भी ना, तो मैं तुम्हें क्यों देती? सुहेल ने दिया था मुझे शौहर होने की हैसियत से। अगर होता भी ना, तो मैं सुहेल की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखती। चलो निकलो यहां से, जाओ जाओ यहां से, मैं तुम्हें कह रही हूं निकलो यहां से, जाओ। Thank you.
मैं कुछ कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रही, चलो निकलो। मुझे बर्बाद करके तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम भी मेरी तरह तड़पोगी, तुम भी मेरी तरह से ऐसा होगी एक दिन। चलो जाओ, बहुत देखी है तुम जैसी बदवाएं देने वाली, निकलो यहाँ से।